कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, सुखदेव जी कहने लगे राजन, माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, पांडवों में मेरी आसक्ति है, यादवों से मेरा स्नेह, संसार के अनेक विषयों में मेरा प्रेम बिखरा पड़ा है, परमात्मा के दर्शन करने पर भी जीव माया से परे नहीं हो सकता, परमात्मा से अतिशय प्रेम करने पर यह माया से छूटता है। कुंती जी को ऐसा लगा कि मेरा प्रेम संसार के विषयों में समाया हुआ है, प्रभु में मेरा प्रेम नहीं है, इसी से मुझे छोड़कर के जा रहे हैं। कुंती जी श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करती हैं। जिस तरह से हिमाचल से निकल करके भागीरथी सारे पर्वतों को तोड़कर समुद्र से मिलने जाती हैं, उसी तरह से मेरी वृत्ति भी आपकी ओर प्रवाहमान हो, ऐसी कृपा कीजिए। मैं आपकी वंदना करती हूँ नाथ, मैं आपकी शरण आई हूँ, कृपा कीजिए। बंधन परमात्मा को बंधन में डालते हैं, वैष्णव बंधन से ही परमात्मा को वश में कर सकते हैं। नित्य प्रति 2-3 मिनट ठाकुर जी का दर्शन मनी मन कीजिए, भगवान के चरणों में वंदना कीजिए, इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, शरीर को जरा भी कष्ट नहीं होगा। जिस देव की आप पूजा आराधना करते हैं उस देव को हर 2-3 मिनट के पश्चात दर्शन कीजिए, आप जहां भी हैं वहीं से मनी मन दर्शन कीजिए, प्रभु के चरणों में वंदन करने की आदत डालिए, प्रभु जरूर दया करेंगे। इस जगत के मालिक परमात्मा हैं, इस जगत में जो कुछ है प्रभु का है। कई लोग मंदिर में बहुत सेवा करते हैं, समझते हैं मैं मंदिर का संचालन कर रहा हूं, ये सेवा मैंने की है। प्रभु कहते हैं मेरा मंदिर तुम क्या चलाओगे, तेरा घर तो मैं चला रहा हूं, तुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तुम मान गवा बैठे हो। तुम्हें मैंने सब कुछ दिया, जगत के मालिक तो परमात्मा है, कोई मानव मालिक नहीं हो सकता, मानव तो मुनीव है, मानव को संचालन का काम दिया गया है। मानव तन का भी मालिक नहीं है तो फिर ये धन का मालिक कैसे हो सकता है। मानव सद्भावना से बारंबार प्रभु को वंदन करता है, कुंती जी बार बार प्रभु का वंदना करती हैं। द्वारका जाने के लिए तैयार थे फिर भी द्वारका नाथ वापिस आए, कुंती जी के मेल में जब प्रभु पधारे तब वो प्रसन्न हो गई, वो रास्ते में हाथ जोड़कर खड़ी थी, इसी से प्रभु पुनः पधारे। अर्जुन सोचते हैं प्रभु का मुझ पर बहुत प्रेम है, इसी से प्रभु वापस आए। द्रौपदी को लगता है मेरे बालकों की मृत्यु से मुझे दुखी जानकर रुके हैं, श्री कृष्ण ने सोचा कि द्रौपदी बहुत दुखी है, थोड़े दिन द्रौपदी के साथ रहूं तो अपना दुख भूल जाए, मेरे कृष्ण वे लिए नहीं लौटे हैं। सुभद्रा जी मान रही हैं कि द्रौपदी तो मोह बोली बहन है, मैं तो माँ जाई बहन हूं, प्रभु मेरे लिए वापस आए हैं। परंतु भगवान लौकिक संबंध को बहुत महत्व नहीं देते हैं, परमात्मा प्रेम संबंध को मानते हैं, तभी तो कहा जाता है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भीष्म पितामह का प्रेम भी अति दिव्य था, प्रभु तो उनके मरण सुधाने के लिए भी लौटे थे। गंगा तट पर सैया पर सोए हुए, बाणों की सैया पर सोए हुए भीष्म पितामह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे थे, सोच रहे कि मुझसे प्रभु ने कहा था कि अंत काल पर आऊंगा पर वो अभी तक पधारे नहीं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की राय देख रहे थे, हर रोज प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण मुझे लेने आ जाएं, परमात्मा को मनाइए, अंत काल पर आप मुझे लेने आइए। संतों का मरण मंगल में होता है, संतों का जन्म हमारे जैसा असाधारण नहीं होता, असाधारण होता है।
पर निरंतर भक्ति से उनका मरण मंगल में होता है। इसमें संतों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, संतों का मरण दिन पुण्य तिथि मनाई जाती है। ठाकुर जी जिस दिन प्रकट होते हैं उस दिन उत्सव होता है, संतों की पुण्य तिथि मनाई जाती है। गंगा तट है, बड़े बड़े ऋषि भीष्म पितामह की चार ओर बैठे हैं। पर्वतो नारदो दौम्यो भगवान अवद्रायण ब्रेदसो भारद्वाज सशिष्यो रेणुका सुता। व्यास जी तथा नारद जी बता रहे परशुराम भगवान आए, ये महापुरुष प्रभु के धाम में कैसे जाते हैं यही देखने के लिए सब आए। भीष्म पितामह ऐसे समत है कि युद्ध में जब गिर पड़े तब काल उन्हें लेने आया तो उन्होंने काल से भी कह दिया कि अभी यहां से चले जाओ, अभी मुझे नहीं जाना है, मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं परमात्मा के अधीन हूं, भगवान द्वारकानाथ मुझे लेने आएंगे। जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो निरंतर भक्ति करते हैं वो काम पर विजय पा लेते हैं। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने काल को वापस भेज दिया, भीष्म पितामह परमात्मा की राह देख रहे हैं। गंगा तट पर अनेक संत आए हैं पर प्रभु नहीं पधारे। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे द्वारकानाथ के दर्शन करते हुए प्राण छूने हैं। श्री कृष्ण दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। भीष्म पितामह का प्रेम इतना बढ़ गया कि उनके प्रति स्वयं परमात्मा ने आकर्षण जागा। प्रभु ने मन ही मन सोचा कि मुझे भीष्म के पास जाना है। भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए प्रभु द्वारका जाने से रुककर हस्तिनापुर में ठहर गई। युद्ध करने से पहले अनुभव को जैसा अर्जुन को अनुभव हुआ वैसा अनुभव राज प्राप्ति के बाद धर्मराज को हुआ। धर्मराज का मन शोक से भर गया, सगे संबंधियों के संघार से प्राप्त इस राज का क्या करना। प्रभु ने कहा बड़े भाई आप दादाजी से पूछिए, भीष्म पितामह मान ज्ञानी हैं, उनकी सलाह लीजिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी भीष्म जी की मृत्यु से पहले अपना ज्ञान युधिष्ठिर को दे जाएं। पांचों पांडवों के साथ गंगा तट पर भीष्म पितामह जा विराजे थे वह प्रभु पधारे। भीष्म जी परमात्मा श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अति आनंद हुआ। कृष्णो दर्शन मांगता, दादाजी के चरणों में धर्मराज बंदन करते हैं। धर्मराज को देखकर भीष्म पितामह की आंखें भर आई। मेरे वंश का बड़ा लड़का है, बहुत योग्य लड़का है, कैसा पवित्र जीवन जी रहा है। धर्मराज को देखकर पितामह का हृदय द्रवित हुआ। धर्मराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया, पूछा कि किस बात की चिंता में हो, बड़े बड़े ऋषि जिनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं वो परमात्मा तुम्हारे घर पर हैं, प्रभु ने तुमको स्वीकारा है, तुम्हारी चिंता प्रभु को है। आप जिस देव में बहुत प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम के जप कर रहे हैं उस देव को आपकी चिंता है, अपनी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, प्रभु ने विश्वास रखिए। घर में प्रभु विराजते हैं, ठाकुर जी की सेवा हो रही है, कोई जीव उदास रहता है, भगवान कहते हैं कि मैं मर नहीं गया, तेरा बाप घर में है, फिर चिंता किस लिए। जिसके पिता की मृत्यु हो जाए उसे चिंता हो सकती है, तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को है। भीष्म पितामह कहते हैं आपको चिंता किस लिए, ये तो आपको निमित्त बनाकर प्रभु यहाँ मेरे मरण को सुधारने के लिए पधारे हैं। भीष्म पितामह दिन में 3 बार परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उन्हें वचन दिया था कि तुम्हारे अंतकाल में मैं आऊंगा, वचन सिद्ध करने के लिए प्रभु पधारे हैं। आप भी भगवान की 3 बार प्रार्थना कीजिएगा, भगवान आपको लेने आएंगे। शरीर स्वस्थ रहता है पर मानव प्राय प्रभु की भक्ति नहीं करता। शरीर स्वस्थ रहता है तब प्राय बुद्धि बिगड़ जाती है, शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि अच्छी होती है, शरीर बिगड़ने पर समझ में आता है, जब बीमारियां लग जाती हैं बुढ़ापा आ जाता है तब बुद्धि आती है। ऐसे समय में क्या सुधार होता है, मानव कुछ कर नहीं पाता। शरीर स्वस्थ है तो खेल आपके हाथ में था, परमात्मा को प्रसन्न कीजिए, प्रभु की विनती कीजिए जिससे अंतकाल पर प्रभु आपके पास आवे।
द्वारका नाथ के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह की आंखें भर आई। शरीर में रोमांच हुआ, मेरे प्रभु की कैसी कृपा है, आज मेरे मरण को सुधारने प्रभु आए हैं। सचमुच मैं लायक नहीं हूं, मैं दुष्ट हूं, मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। भीष्म पितामह को याद आ रहा है, युद्ध में जब प्रभु अर्जुन के रथ के साथ ही बनकर विराज रहे थे तब मैंने उनको बाण मारे थे, पर उन्होंने मुझे एक बाण भी नहीं मारा। जब युद्ध चल रहा था दुर्योधन ने भीष्म पितामह को लाना दिया। महाभारत का वर्णन है, भीष्म पितामह से कहता है, दादा आज तक मैंने मेरे घर का खाया है, आज युद्ध के समय आपको पांडव बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुर्योधन कैसा कैसा बोलने लगा। भीष्म पितामह क्षत्रिय वीर हैं, आवेश में आ गए। उन्होंने निश्चय किया कल अर्जुन की खबर लूंगा, युद्ध में मैं उसे दिखा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण उसके रथ में विराज रहे हैं, ऐसे उसकी विजय हो रही है, श्री कृष्ण उठकर आ जाएंगे, वैसे अर्जुन की खबर लूंगा, अर्जुन को बाण मारूंगा। ऐसे भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं, अर्जुन के रथ में बैठे साथी बने श्री कृष्ण को बाण मार देते हैं। आज भीष्म पितामह आवेश में ही युद्ध में रंग जमा, उनके बाणों से द्वारकानाथ का कवच फट गया, श्री कृष्ण घायल हो गए, श्री अंग से रुधिर की धारा बहने लगी। हनुमान जी ने देखा अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे, प्रभु ने उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर हनुमान जी को विराजमान कर रखा था। हनुमान जी ने यह देख करके उसी समय पर हनुमान जी को क्रोध आ गया। प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि तुम्हें रथ पर बैठकर केवल युद्ध में दर्शन करने हैं, तुम्हें और कुछ नहीं करना। हनुमान जी श्री हरि के दास हैं, युद्ध के दर्शन के लिए हनुमान जी को बैठाया गया था, परंतु श्री कृष्ण घायल हुए। हनुमान जी को क्रोध आया, मेरे मालिक को स्वामी को कौन बाण मार सकता है, वो क्या समझ रहा है। हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया, होम होम की गर्जना करने लगे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने रुद्र रूप धारण किया, तब सब घबराने लगे। भगवान ने ऊपर दृष्टि डाली, हनुमान जी से पूछा, अरे होम होम क्यों कर रहे हो। हनुमान जी कहने लगे, महाराज आपको बाण मार रहे हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं तो आनंद में हूं, ये तो केवल लीला है, ठाकुर जी के श्री अंग में रुधिर नहीं है, मांस भी नहीं है, हड्डियां भी नहीं है, श्री कृष्ण के श्री अंग में मल भी नहीं है, मूत्र भी नहीं है, श्री कृष्ण स्वरूप आनंद में है, आनंद ही श्री कृष्ण है, ऐसा लोग मानते हैं। ईश्वर में आनंद आता है, ईश्वर में आनंद है, ऐसा मानने वालों के सिद्धांत में ईश्वर और आनंद दो तत्व भिन्न हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, आनंद ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही आनंद है, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। श्री कृष्ण के श्री अंग में मात्र आनंद भरा हुआ है, निरंकार श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ है, श्री अंग में रुधिर कैसे निकल सकता है, ये तो लीला है, परमात्मा आनंद में है। हनुमान जी को समझाते हैं, तुम होम करना नहीं, तुम हुंकार करोगे तो युद्ध यही समाप्त हो जाएगा, ये तो मेरी लीला है। भीष्म पितामह को याद आ रहा है, हनुमान जी ने हुंकार किया, तब मैं घबरा गया, मैंने युद्ध में श्री कृष्ण को विवेकहीन होकर बाण मारे, फिर भी मेरे मरण को सुधारने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं है, मेरे जैसा दुष्ट इस जगत में कोई नहीं, मैंने भगवान को बाण मारे, मेरे स्वामी का शरीर अति कोमल है, ठाकुर जी के चरणों में अधिक तुलसी अर्पण करने में वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं, प्रभु के श्री चरण कमल इतने कोमल हैं, अधिक तुलसी अर्पण करूंगा तो उन्हें भार लगेगा, इन चरणों में तुलसी अर्पित करने में वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं, मुझे धिक्कार है, मैंने उनके श्री अंगों में बाण मारे। चतुर्भुज द्वारकानाथ के दर्शन से भीष्म पितामह की तृप्ति नहीं होती, दोनों हाथ जोड़कर की कह रहे हैं, आपने बहुत कृपा की, मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन करते करते प्राण छोड़ दूं। भीष्म पितामह को थोड़ी शंका हुई, ये सब ऋषि द्वारकानाथ को आसन देंगे, उन्हें सिंहासन पर बैठाएंगे तो मुझे इनके दर्शन नहीं होंगे,
अभी तो ये खड़े हैं, इनके चरण से मुखारविंद तक के दर्शन होते हैं। वो प्रभु से कह रहे हैं, आप मेरे हित के लिए पधारे हैं, इसलिए खड़े ही रहिए। श्री कृष्ण पूछते हैं, कब तक खड़ा रहूं? भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक इस शरीर को छोड़कर के मैं आपके धाम ना पहुंच जाऊं। भक्त भगवान को परतंत्र बनाते ही प्रभु ने मुस्कुरा दिया। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, धर्मराज को आप समझाइए, उनकी कुछ पूछने की इच्छा है। भीष्म पितामह परमात्मा को वंदन करते हैं, धर्मराज को तो जो कुछ कह पूछना हो भले पूछ ले, पर मेरे मन में एक शंका है, वो मैं किससे पूछने जाऊं, मुझे भी कुछ पूछना है। भीष्म पितामह की ऐसी ख्याति थी, उनके समान ज्ञानी पुरुष जगत में कोई नहीं है और ना होगा। इससे सबको आश्चर्य हुआ, कैसे मान ज्ञानी को क्या पूछना है। प्रभु ने मुस्कुरा दिया, कहा, दादाजी आपको जो कुछ पूछना है पूछिए। भीष्म पितामह द्वारकानाथ को वंदन करके बोले, मुझे बराबर याद है कि मैं जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने तन से भी पाप नहीं किया, मन से भी नहीं किया, मैं गंगा पुत्र हूँ, मेरा मन गंगा जल के समान है, मैंने बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत किया। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अंतर्यामी नारायण से कह रहे हैं, जिन्हें तन मन की सब बातें विंदित हैं। प्रभु ने मुस्कुराते हुए सम्मति देते हुए सिर लाया, फिर कहने लगे, सच कह रहे हैं, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे, मैंने पाप नहीं किया, ये किसकी सजा मिली है, दुख पाप का फल है, मैंने पाप नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में बाण की नोक पर सोने का प्रसंग क्यों आया, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वेदना हो रही है। प्रभु ने मुस्कुराते कहा, दादाजी आपने स्वयं पाप नहीं किया, पर पाप देखा है, इसकी ये सजा है। पाप देखने वालों को भी सजा मिलती है, जो पाप देखते हैं, पाप का विचार करते हैं, दूसरों के पाप का स्मरण करते हैं, उन सबको सजा मिलती है, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। भीष्म पितामह को याद नहीं आ रहा, उन्होंने पाप कब देखा। प्रभु ने कहा, दादाजी आप भूल गए होंगे, पर सब की सब बातें याद रखता हूँ। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया था, उस सभा में आप बैठे थे, दुर्योधन और दुशासन तो मूर्ख थे, आप तो बुद्धिमान थे। उस सभा में मैं भी आया था, उस सभा में प्रभु ने द्रौपदी को सुंदर साड़ियां पहनाई थी, अकेली द्रौपदी को प्रभु ने दर्शन दिए थे। वो सोच रही थी कि मेरे लिए दौड़कर आए, सभा में भीष्म द्रोण जैसे ज्ञानी थे, किसी को प्रभु के दर्शन नहीं हुए, आज प्रभु ने भीष्म पितामह को लाना दिया कि एक मान पतिव्रता स्त्री आर स्त्री आपके घर की पुत्र वधु, जिसके ऊपर भरी सभा में अन्याय हो रहा था, आप जैसे ज्ञानी पुरुष बैठकर के देखते रहे, आपने पाप नहीं किया, ये बात सच है, पर आपने पाप देखा, इसकी ये सजा मिली है। प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं है, जीव के घर में भले अन्याय होता रहे, किंतु परमात्मा के अंधेर नहीं है, देर मात्र है, मानव निष्ठुर होकर के सजा देता है। मानव के घर में दया नहीं है, भगवान सजा देते हैं, दया भाव के साथ सजा देते हैं, परमात्मा तो दया की मूर्ति है। भीष्म पितामह ने कहा, आपने सच कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने दुर्योधन के घर का भोजन किया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सभा में बैठा रहा, ये मेरी भूल है। परमात्मा की प्रेम पूर्ण दृष्टि भीष्म पितामह पर पड़ी, भगवान प्रेम से देख रहे हैं, भीष्म पितामह की वेदना शांत हो गई, शरीर स्वस्थ है। भीष्म पितामह धर्मराज को उपदेश देते हैं, स्त्री धर्म, राज धर्म, आपा धर्म, मोक्ष धर्म की कथा कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में यह प्रसंग है। भीष्म पितामह धर्मराज को उपदेश दे रहे हैं। भक्तों, उस कथा का कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय।